देहरादून में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने राज्यपाल के पॉल से मुलाकात की और राज्य के सियासी हालात की जानकारी दी। इससे पहले उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च तक विश्वास मत हासिल करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। राज्य में कांग्रेस के 9 विधायकों की बगावत के बाद ये चिट्ठी लिखी गई। कांग्रेस के 9 विधायक बीजेपी के विधायकों के साथ गुड़गांव में हैं। इन विधायकों में उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी शामिल हैं। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत कल दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और राज्य के सियासी संकट के बारे में जानकारी देंगे। वो राज्य के गार्जियन हैं। मैं उनको राज्य की राजनीतिक स्थिति के विषय में अपना असेसमेंट देने के लिए गया हूं। हरीश रावत ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया है। रावत ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनकी टीम सरकार को गिराने में लगी है। उत्तराखंड की सियासत में लगातार बदलाव हो रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय हमारे साथ हरीश रावत जी, आप यहाँ बहुमत सिद्ध करने की बात कर रहे हैं। 9 लोग वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप बहुमत सिद्ध करेंगे? मुझे मालूम है ना कि मेरे पास बहुमत है, और यदि मेरे पास बहुमत नहीं होता, उनके पास बहुमत होता तो यहाँ रहते ना, क्यों भाग रहे हैं दिल्ली, क्यों लोगों को कैप्टिव बना करके रखा हुआ है? आप पैसे से, मनी से, शक्ति से कुछ देर के लिए लोगों को जो है पकड़ करके जकड़ करके रख सकते हैं, और फिर बहुत सारी बातें हैं जो लॉजिस्टिक की बातें हैं, स्ट्रेटेजी की बातें हैं, वो मैं सब कह नहीं सकता, लेकिन लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बीजेपी सरकार नहीं गिरा रही है तो 2 दिन पहले रात को जो है इनकम टैक्स की गाड़ियों में आरएसएस के 3 बिग बॉसेस, बीजेपी के शार्प शूटर जिन्होंने खुद को कहा विजय वर्गीय जी, और उनके 2 प्रभारी यहाँ क्या कर रहे थे? वह रात को क्यों 5-5 करोड़ रुपया लेकर के विधायकों के घरों को दस्तक देने का काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे विधानसभा के अंदर? इतनी बड़ी बीजेपी की फौज जो है लेकर के लोगों को पाउंड करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है, उनके एक यूनियन मिनिस्टर जहाज लेकर के आए हैं, प्रूफ है, हाथ कंगन को फारसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, वो दिल्ली लेकर के गए हैं उनको जो है, और लीला होटल में जो है उन्हीं के नाम से, उन्हीं के कंपनी के नाम से टिकाया गया है। तो ये तो भाजपा का सारा जो है गेम है, अमित शाह है या भामाशाह है, जो भी है उनका गेम है। और आप जानते हैं वो विरोध को कहीं बर्दाश्त करने की स्थिति में ही नहीं, वो समझते हैं कि जो विरोध पक्ष है उसको इलिमिनेट कर दो, तो उनको ये लगता है कि हरीश रावत को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हरीश रावत तो बहुत छोटा आदमी है, तो यहाँ की जनता जब चाहेगी तब हटा देगी, हमको जनता की ताकत पर विश्वास है। कैमरामैन पीयूष के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7। और यूपी के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बगावत को बीजेपी की साजिश बताया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करे। तिवारी ने यह भी कहा कि बागी 9 विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है, ऐसे में सभी 9 सीटें खाली मानी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा ये 9 विधायक एक काम कर सकते हैं कि ये इनका स्थान रिक्त घोषित हो जाएगा, ये डिफेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कुल फर्क आएगा 4 सीट का 4.5 सीट, और 4 सीट कम भी अगर आप कर दें तो हरीश रावत सरकार का पूर्ण बहुमत बना हुआ, वो राजभवन में नहीं साबित हो सकती बहुमत, वो अमित शाह के घर में नहीं साबित होगी। अगर साबित करना है तो मेरी चुनौती है कि भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाए हरीश रावत के खिलाफ। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों में हरक सिंह रावत, पूर्व सीएम विजय बगुणा, सुबोध उनियाल, कुंवर प्रणब सिंह, अमृता रावत, उमेश शर्मा काऊ, शैलेंद्र सिंगल, शैला रानी रावत और प्रदीप बत्रा शामिल हैं। बीजेपी का साथ देने वाले कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता जा सकती है। उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जो एक्ट है दल बदल का, उस एक्ट में अगर बाहर भी वो अपने कोई सामान्य सदस्य बाहर भी अपनी दल के विरोध में कुछ हरकतें करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित करते हैं, तो उसको देखने के बाद तय होगा कि उन पर दल बदल कानून लगता है कि नहीं लगता है।
उत्तराखंड के देहरादून में राज्य के सियासी संकट पर रणनीति तय करने के लिए हरीश रावत कैबिनेट की दो घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद सीएम रावत ने यह कहा कि राज्य के एडवोकेट जनरल यूके उनियाल ने कैबिनेट का विश्वास खो दिया है। उनियाल को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है। विजय बहादुर सिंह नेगी को नया एडवोकेट जनरल बनाने का भी फैसला किया गया है। आपको बताएं, यूके उनियाल कांग्रेस के बागी विधायक सुबोध उनियाल के भाई हैं। विजय बहुगुणा के सीएम रहते उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि हरक सिंह रावत का कंडक्ट मंत्री परिषद में रहने लायक नहीं है। रावत ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल से हरक सिंह को कैबिनेट से हटाने की बात कही है। इसके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना भर कहना चाहता हूं कि मैंने महामहिम से ये भी आग्रह किया है कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लायक श्री हरक सिंह जी का कंडक्ट नहीं है और उनको भी जो है कैबिनेट। कांग्रेस के बागी विधायक और हरीश रावत सरकार में कृषि मंत्री का पद संभालने वाले हरक सिंह रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना विश्वास खो चुके हैं। हरक सिंह रावत ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री के विरोध में 36 विधायक हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार अल्पमत में है और उसे अल्पमत में लाने के लिए जिम्मेदार हैं कांग्रेस के 9 विधायक, जो हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में 9 विधायक ने बगावत की। हमारे साथ सभी विधायक हैं। हरक सिंह जी, एक चीज सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से पूरा माहौल बना है, जिम्मेदार किसे मानते हैं? इसके लिए हरीश रावत जिम्मेदार है, हरीश रावत के सलाहकार जिम्मेदार है। हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री के निवास को एक सिंडिकेट के रूप में बना दिया था। कोई विधायक मंत्री जब हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री को मिलने जाता था तो कई भी विधायक अपने आप को अपमानित महसूस करता था। इवन कि मंत्री को 4-4 घंटा इंतजार करना पड़ता था और जब मंत्री बात करते थे मुख्यमंत्री से तो उनके जो उनके चट्टे मट्टे थे वो चारों तरफ से खड़े होते थे और कोई मंत्री कोई विधायक अपनी बात भी नहीं कर सकता था मुख्यमंत्री से, तो हम लोग अपना अपमानित महसूस करते थे। 15 साल के इतिहास में उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता काफी रही है। 15 सालों में ये पहाड़ी राज्य 2 पार्टियों के 8 सीएम देख चुका है। अभी भी दोनों पार्टियों में गुटों की कमी नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि उत्तराखंड में इस समय जितने भी प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, जो कांग्रेस से विद्रोह करके हरीश रावत की सरकार गिराना चाहते हैं, उन सबका अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। और भारतीय जनता पार्टी के भी करीब आधे दर्जन नेता ऐसे हैं उत्तराखंड के जो कि खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो अब देखना है कि अगर हरीश रावत की सरकार गिर जाती है तो उसके बाद क्या उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा या इन लगभग आधा दर्जन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से किसी एक को कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी आला कमान के लिए। सरकार गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड में पहले से ही जो सरकार थी वो माइनॉरिटी की सरकार थी और माइनॉरिटी की सरकार होने के नाते उसके बारे में पहले दिन से माना जा रहा था कि अगर कोई भी राजनीतिक खरीद फरोख बड़े पैमाने पर हुआ तो वह सरकार बचना संभव नहीं होगा। लेकिन सरकार गिराने से ज्यादा चुनौती है कि क्या वहां पर कोई नई सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन लगाकर कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी रिमोट कंट्रोल से उत्तराखंड की सरकार चलाएगी और बाद में वहां चुनाव कराएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को देना होगा। उत्तराखंड चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। अगले साल शुरू में ही वहां चुनाव होने हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुछ महीनों के लिए सरकार बनाकर बीजेपी कोई रिस्क लेगी? हाँ, ये बात सच है कि जो पार्टी सत्ता में होती है और उसके बाद जब चुनाव होता है तो उस राज्य की जनता का उस पार्टी की सरकार और उस पार्टी के प्रति नाराजगी स्वाभाविक रहता है, क्योंकि जनता की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और कोई भी राजनीतिक दल या सरकार जनता के एक्सपेक्टेशंस को 100% पूरा करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए संभव नहीं होता है। तो अगर इस सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विद्रोही
विधायकों के साथ मिलकर कोई सरकार बनाती है तो आने वाले लगभग 8-9 महीने का जो कार्यकाल होगा इस सरकार का, जो नई सरकार बनेगी उसके खाते में वो सारी चीजें जाएंगी जिन चीजों को लेके कि मौजूदा समय में हरीश रावत या उनकी सरकार पर ठिकड़ा फोड़ा जा रहा है विफलता का। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बीजेपी के नित्यानंद स्वामी बने थे जो सिर्फ 354 दिन तक सत्ता में रहे। स्वामी को हटाकर बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को राज्य का सीएम बनाया। कोश्यारी 123 दिन तक ही कुर्सी पर टिक पाए। 2002 में बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई तो नारायण दत्त तिवारी सीएम बने। उत्तराखंड के इतिहास में सिर्फ तिवारी ही इकलौते हैं जिन्होंने 5 साल पूरे किए। हालांकि तब हरीश रावत के समर्थकों ने तिवारी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तिवारी का सियासी तजुर्बा और 10 जनपद से नजदीकी उनके काम आई। 2007 में फिर बीजेपी सत्ता में आई और कमान सौंपी गई बीसी खंडूरी को। कोश्यारी गुट के तमाम दबाव के बावजूद खंडूरी करीब 2.5 साल तक सत्ता में रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पूसा कैंपस में कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने राज्यों और प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित भी किया। कृषि उन्नति मेले का आयोजन किसानों को नई कृषि योजनाओं और तकनीकों की जानकारी देने के लिए किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पार्टी सरकार की आलोचना बर्दाश्त कर सकती है लेकिन देश की आलोचना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में आज से शुरू हुई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल के बारे में राहुल और कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोलते। और वहीं इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी संगठन मजबूत होगा तभी सरकार को भी ताकत मिलेगी। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुले मन से काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नेताओं से सोशल मीडिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की सलाह दी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी सरकार की छवि बदलने के मकसद से अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है तो कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। अखिलेश खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश करना चाहते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने लखनऊ के गोमती नगर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लखनऊ बहुत ही भाग्यशाली है और इस शहर को विश्व का सबसे शानदार और भव्य हाई कोर्ट का नया प्रांगण मिला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1,300 करोड़ की राशि से बने इस भवन का लाभ उठाने का मौका अन्य न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों को मिलेगा। यूपी के गाजीपुर में छात्रवृत्ति के पैसों की जमकर बंदरबांट हुई है। साल 1998 से 2001 के बीच ये घपला किया गया। इस मामले में 2004 में जांच के आदेश दे दिए गए थे। करीब 12 साल बाद आई जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि करीब 5 करोड़ रुपए का घपला किया गया। SYL पर हरियाणा पंजाब में सियासत पूरे शवाब पर है। SYL के मुद्दे पर इनेलो सांसद और विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला। इनेलो ने पंजाब और हरियाणा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। हिमाचल से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नीति आयोग की मुखालफत की है। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि नीति आयोग से राज्यों का नुकसान होगा। वीरभद्र सिंह ने यह भी कहा कि बिना केंद्र के सहयोग के सरकार नहीं चल सकती है। साथ ही सीएम ने कहा कि बेमौसमी बारिश पर हुए नुकसान की रिपोर्ट सरकार तैयार करवा रही है जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच में एक युवती को छेड़ना मनचले को महंगा पड़ गया। युवती ने स्कूटी से पीछा कर आरोपी मनचले को पकड़ा और फिर दे दनादन उसकी पिटाई शुरू कर दी। और इतना ही नहीं, छात्राओं ने मनचले की जमकर पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। ओडिशा के राउरकेला से गिरफ्तार किए गए सिमी के 2 आतंकवादियों को आज भोपाल जिला कोर्ट में पेश किया गया है जहां से कोर्ट ने उन्हें
2 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि ओडिशा के राउरकेला से 17 फरवरी को सिमी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के भिंड में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 बच्चियों की मौत हो गई जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लहार नगर के वार्ड नंबर 4 के खेड़ापति मंदिर के पास भोला चौरसिया के घर में सिलेंडर लीक हो रहा था जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर और चूल्हे की मरम्मत के बाद जैसे ही आग जलाई गई अचानक सिलेंडर में आग लग गई और धमाका हो गया। ग्वालियर में एसएएफ की 14वीं बटालियन के जवान रमेश मौर्य ने जहर खा लिया जिसके बाद जवान को गंभीर हालत में जया रोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि छुट्टी नहीं मिलने से जवान ने यह कदम उठाया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों और व्यापारियों की हड़ताल जारी है। एक ओर संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो वहीं दूसरी तरफ भिंड में पिछले 5 दिनों से सहकारी बैंक के कर्मचारी भी धरना दे रहे हैं। दरअसल पिछले 3 सालों से सहकारी बैंक के सहायक सचिवों को वेतन नहीं मिला है जिसकी वजह से उनकी माली हालत बेहद खराब हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर के छत्रसाल यूनिवर्सिटी में हुई भर्ती प्रक्रियाओं के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में 3rd और 4th ग्रेड की भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप कुलपति और पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बालोद जिले में चिटफंड का जाल बिछाकर ठगी करने वाली 9 फ्रॉड कंपनियों ने 2 साल में करीब 1,100 करोड़ का निवेश कराया लेकिन ठगी का शिकार हुए लोगों को अब तक 1 रुपया भी वापस नहीं हो पाया। म्यूचुअल फंड्स में पारदर्शिता के लिए सेबी ने बड़ी पहल की है। म्यूचुअल फंड्स को अब बताना होगा कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन दिया है। डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में नकद और गिफ्ट का ब्यौरा भी उन्हें देना होगा। अब म्यूचुअल फंड्स को हर 6 माही स्टेटमेंट में कमीशन की सारी जानकारी देनी। अगले हफ्ते आपको बैंक में कोई काम है तो उसे जल्द से जल्द निपटा लें क्योंकि 23 से 27 मार्च तक लगातार 5 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। 23 मार्च को होलिका दहन है और 24 को है होली की छुट्टी। 25 मार्च को गुड फ्राइडे, 26 मार्च को महीने का चौथा शनिवार और 27 मार्च को है रविवार। हालांकि रविवार को खुलने वाली बैंकों की शाखाओं में कामकाज होगा। हालांकि कई राज्यों में 4 दिन की ही छुट्टी है, कुछ राज्यों में होलिका दहन की छुट्टी नहीं होती है, यानी लोगों को एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग से काम चलाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के पांडुका वन परिक्षेत्र के कचना धुरवा के पास सड़क किनारे तेंदुए का नन्हा शावक मिला है। दरअसल इलाके में निर्माण कार्य करवाया जा रहा था और इसी दौरान जेसीबी चालक ने वहां तेंदुए का शावक देखा। सूचना के बावजूद करीब 3 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को अपने कब्जे में ले लिया। छत्तीसगढ़ में बैकुंठपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर अमरपुर पंचायत में सालों से होली की अनोखी परंपरा चली आ रही है। अमरपुर में होली का त्यौहार 5 दिन पहले ही मना लिया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अमरपुर में शुक्रवार को होली मनाई गई जिसके चलते गुरुवार की रात को ही गांव वालों ने होली का दहन किया और शुक्रवार सुबह से ही होली के जश्न का माहौल शुरू हो गया। खास बात यह है कि अमरपुर में होली ही नहीं बल्कि सभी त्यौहार 5 दिन पहले ही मनाए जाते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में बारिश से बाधित मैच में भारत पाकिस्तान से 2 रन से हार गया। भारत के 96 रन का पीछा कर रही पाकिस्तान की टीम 16 ओवर में 77 रन बना चुकी थी तभी तेज बारिश के चलते मैच रोक दिया गया। काफी देर तक बारिश न रुकने पर डकवर्थ लुईस नियम से पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम को 2 रन से विजयी करार दिया गया। पाकिस्तान की महिला टीम ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर भारत के साथ जारी ICC T20 विश्व कप के ग्रुप बी के अपने दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का टीम ने फैसला किया। पाकिस्तान की अच्छी गेंदबाजी के चलते भारत के खिलाड़ी 20 ओवर में महज 96 रन ही बना सके।